जंगा थाने की पुलिस ने मारपीट करने व अवैध रंगदारी मांगने वाले 5 अभियुक्तों के ऊपर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है, जिसके संबंध में एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने बताया कि 5 अभियुक्तों के ऊपर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है, जिनकी पहचान जितेंद्र कुमार गुप्ता पुत्र गंगा प्रसाद निवासी जमनहा लुटही थाना रुद्रपुर जनपद देवरिया, दूसरा सतीश निषाद पुत्र चंद्रिका निषाद निवासी लक्ष्मीपुर लुटही थाना रुद्रपुर जनपद देवरिया, तीसरा पन्नेलाल यादव पुत्र धामा यादव निवासी ग्राम झलावा थाना रुद्रपुर जनपद देवरिया, चौथा राकेश निषाद पुत्र अदालत निषाद निवासी सरसहवा थाना रुद्रपुर जनपद देवरिया, पांचवा विनय यादव पुत्र सोहन यादव निवासी वनसप्ती बेलकुंडा थाना रुद्रपुर जनपद देवरिया के रूप में हुई है। एसपी नॉर्थ ने बताया कि गैंग लीडर जितेंद्र कुमार गुप्ता अपने गैंग के सदस्यों के साथ सुसंगठित आपराधिक गैंग बनाकर आर्थिक भौतिक लाभ हेतु आए दिन डरा धमकाकर वसूली करने व गंभीर आघात करने जैसे गंभीर अपराध करते हैं। इस गैंग के लीडर एवं सदस्यों के आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु जिलाधिकारी के निर्देश पर गैंगस्टर का मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने कहा, थाने पुलिस ने 5 अभियुक्तों के ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई की, सर क्या हुआ? ये वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गोरखपुर द्वारा चलाए जा रहे शातिर अपराधियों के विरुद्ध अभियान के क्रम में थाना जंगहा द्वारा 5 अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है। ये सभी अवैध वसूली और इस तरह से धनोपार्जन के लिए चोरी में लूट में पंजीकृत किए गए थे। मुकदमे में इनके ऊपर गैंगस्टर कार्रवाई करके 14-1 की भी कार्रवाई की जाएगी और भविष्य में ये सुनिश्चित किया जाएगा कि इस तरह के जो भी अपराधी हैं उन पर भी गैंगस्टर कार्रवाई की जाए।